खबरों की नई पहचान। रोड रॉबरी की घटना को अंजाम देने वाले 8 अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। गिरिडीह पुलिस ने सड़क लूटकांड का उद्भेदन करते हुए 8 साथी अपराधियों को दबोच लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद किया गया। बताया गया कि सप्ताह भर पहले नौडीहा उप क्षेत्र के ढकीटाण के समीप अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद SP के निर्देश पर खोरी महुआ SDPO के नेतृत्व में जमुआ नवडीहा और बेंगाबाद पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान छेड़कर अपराधियों को दबोच लिया। इस बाबत SP सुरेंद्र कुमार झा ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि ग्रामीण इलाकों में हथियार का भय दिखाकर लोगों से लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी पकड़े गए हैं। इस गैंग का शुरू शुरू में कोई ट्रेस नहीं मिल पा रहा था, लेकिन बेंगाबाद पुलिस ने सूचना जुटाकर इस गैंग तक अपनी पकड़ बनाई और कई थानों की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 8 अपराधियों को हिरासत में ले लिया है। बताया कि बालकृष्ण मुंडा और योगेश्वर सिंह ने नेतृत्व में यह गैंग काम कर रहा था। और हालिया दिनों में कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था। पिछले कुछ समय में गिरिडीह के देहात कोटे क्षेत्र, खासकर जमुआ, डीहा, बेंगाबाद और देवरी के कुछ 10 क्षेत्रों में रोड होल्डिंग करके लगातार घटनाएं प्रोफाइल की जा रही थी और उसमें जो था बिल्कुल ट्रेसलेस गैंग था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में SDPO खोरी महुआ और इंस्पेक्टर के द्वारा और थाना प्रभारी बेंगाबाद के द्वारा जब ऑफकोर्स टेक्सिल जो साक्ष्य संकलन किया गया तो एक गैंग के सामने आया और फिर इसी के नेतृत्व में SDPO खोरी महुआ और इंस्पेक्टर जमुआ नेतृत्व में एक रेड किया गया। बेंगाबाद और उसके प्रभारी थे और थाना के बल थे। 8 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। ये पूरा गैंग बालकृष्ण मुंडा और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में काम कर रहा था और एक साथ 8 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। 8 लोग थे, 8 की अरेस्टिंग हो चुकी है। पूरा कर सकते हैं कि एक अच्छा सार्थक और बहुत ही उपलब्धि है गिरिडीह पुलिस के लिए। अभी 3-4 मामले का उद्भेदन हो चुका है, रिकवरी भी हो चुकी है, इसके पास 6 मोबाइल भी मिले हैं और कुछ और कांड भी इसमें खुल सकते हैं भविष्य में। तो इसको बदलती रिमांड पर लेंगे, प्रयास करेंगे कि इस केस को स्पीडियर में रख के इसको कन्वेंशन कराया जाए। इस बार जब आप EVM में अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबाएं तो ध्यान रखें, EVM पर प्रत्याशी के नाम के सामने वाली लाल बत्ती जलेगी, बीप सुनाई देगी और ठीक उसी समय EVM के बगल में रखे हुए VVPAT के प्रिंटर में एक पर्ची छपेगी। छपने के बाद लगभग 7 सेकंड तक यह पर्ची पारदर्शी खिड़की में लटकी रहेगी। आप उसे देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि पर्ची पर आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी की क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह दर्ज है। यह इसका सबूत है कि आपका मत आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी को ही गया है। VVPAT चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता में आपके विश्वास को मजबूत करने का प्रयास है। माँ कल्याणी ITI कॉलेज गौशाला रोड मास्टिंग यार्ड सिलरी, टेक्निकल के दौर में थ्योरी से कैसे चलेगा काम, इसलिए हम दे रहे हैं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की बेहतर व्यवस्था। ट्रेड अवेलेबल फीटर इलेक्ट्रीशियन, संपर्क करें माँ कल्याणी ITI कॉलेज गौशाला रोड मास्टिंग यार्ड सिलरी। उज्जवल भविष्य के लिए चुने KDM स्कूल पाथरडी धनबाद, क्लास नर्सरी से 10 तक छात्रों के लिए फैसिलिटी, स्कूल में प्लेग्राउंड, कंप्यूटर लैब, डांस क्लास, एक्सपीरियंस टीचर, एडमिशन ओपन। KDM स्कूल पाथरडी सुदामडी सिंदरी रोड धनबाद। आवर फोन नंबर ऑन योर TV स्क्रीन। खबरों की नई पहचान।